भाई बाप की, अपने अपने गुरु गोविंद की। साधु जी सीताराम बोलो तीर्थराज प्रयाग की। आज इस दास को परम सौभाग्य प्राप्त हुआ तीर्थराज प्रयाग में विराजमान समूचे भारत वर्ष के साधु संतों के चरणों की धूली को मस्तक पर लगाने का शुभ अवसर मिला। आज यहाँ पर विराजमान अथवा बाद में इस वार्ता को जो भी सुनेंगे, हमारे प्रिय ज्येष्ठ भ्राता पूज्य श्री सतुआ बाबा जी, उनके इस खालसा में माँ गंगा मैया की गोद में समूचे भारत वर्ष के साधु संत और बागेश्वर धाम के प्रत्येक पागलों के साथ गंगा मैया को प्रणाम करते हुए हम एक ही बात कहेंगे, अगर हम सब साथ हो तो भारत हिंदू राष्ट्र है। मेरे पागलों, जितने दिन तक सोते रहे सो सोते रहे, ना तो हम कोई राजनेता है, ना हमें राजनीति करनी है, न तुम्हारी मीडिया पर आने के लिए ये बात बोल रहे हैं। विनम्रता पूर्वक हम तो अपने संतों का आशीर्वाद लेने आए हैं, जिसके ऊपर संतों की चरणों की कृपा हो जाती है वो निर्बल भी सबल बन जाता है। याद रखना मेरे पागलो, संगम नगरी से हम घोषणा नहीं प्रार्थना कर रहे, तीन बनावट देश को, तीन बनावट देश को संत सती अरुसूर, तीन मिटावट देश को कायर कपटी क्रूर। संपूर्ण संसार को संतों का तपोबल चलाता है और जो संतों के आशीर्वाद को लेकर बढ़ता है वो जिंदगी में जहां भी जाता है झंडा गाड़ कर आता है। जिसका गुरु बलवान होता है चेला पहलवान होता है। हमारे जैसा डेढ़ हड्डी का आदमी भी अगर नालायक से बोलने लायक बन जाए, लोग पूछते हैं संतों का चमत्कार क्या है, संतों से होता क्या है, हम कहते हैं संतों से लाखों करोड़ों नहीं पूरी दुनिया में रहने वाले लोगों की रक्षा और सुरक्षा होती है। ज्यादा प्रवचन देने नहीं आए, न कोई भाषणबाजी करने आए, बस एक प्रार्थना करने आए। जितने यहाँ संत हैं, जितने सनातनी हिंदू हैं, सब हाथ उठाओ। हिंदू राष्ट्र के साथ कौन कौन है,